गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को। नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। एक पिता अपने परिवार के नवीन सदस्य के सर्वांगीण विकास व चलती सामाजिक प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करवाने के लिए अपने जीवन काल में मेहनत से कमाया सब कुछ दांव पर लगा देता है। साथ ही समय की अपनी एक ऐसी कीमत होती है जिसके संदर्भ को आंकने और नापने का कोई पैमाना आज तक नहीं बना है, और बीता हुआ पल आने वाले पल से भी ज़्यादा बेशकीमती होता है। वहीं बच्चे भी अपने अभिभावकों के सपने को साकार करने के लिए उसी कीमत और समय को पहचान हर क्षण मन लगा उच्च और नामचीन कॉलेजों में महंगी फीस और डोनेशन को जमा करा प्रवेश प्राप्त कर अपने भविष्य को स्वर्णिम बनाने में रात दिन एक कर देते हैं। ऐसे बच्चों और अभिभावकों को एक लंबा समय काल बीत जाने के बाद ज्ञात हो कि जिस कॉलेज में हमारे जीवन के अमूल्य समय में से 5 साल उस कॉलेज में खराब कर दिए, जिसने सरकार से रजिस्ट्रेशन भी नहीं ले रखा है और ना ही कॉलेज को किसी प्रकार की सरकार से वैधता प्राप्त है। सरकार जहाँ अपने भरसक प्रयास से शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने की बात कर रही है, उसी के दूसरी ओर उसके राज्य और जिलों में चल रहे अवैध इस तरह के कॉलेज के प्रबंधक सरकार को चुना लगाने के साथ ही उन बच्चों के भविष्य से भी खिलवाड़ कर रहे हैं और उन्हें अपराध के मार्ग की ओर अग्रसित कर अपनी तिजोरियों को भरने का काम करते नजर आ रहे हैं। आप जिन लोगों को जिला कलेक्ट्री के बाहर नारेबाजी करते हुए देख रहे हैं, यह किसी भी राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक संगठन के पदाधिकारी नहीं है। यह है इस देश का आने वाला भविष्य, जिन्होंने अपने माता पिता के सपनों और अपने भविष्य को सुनहरा करने के लिए उमरडा स्थित पैसिफिक संस्थान की इकाई PIMS में प्रवेश प्राप्त कर चिकित्सक बनने के लिए 5 साल का कोर्स किया और आज उसी के द्वारा रजिस्ट्रेशन नंबर ना देने के चलते पिछले 2 सालों से इस तरह कभी कॉलेज परिसर तो कभी कॉलेज प्रशासनिक कार्यालय तो कभी कॉलेज मालिकों का घेराव कर, कभी सरकार तो कभी सरकार के चिकित्सा मंत्री को ज्ञापन व प्रदर्शन कर लाठियां खाने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आज अपनी जायज मांगों को लेकर पैसिफिक PIMS के सैकड़ों छात्र छात्राएँ अपने पेरेंट्स के लाखों रुपये को दाव पर लगने के साथ ही अपने भविष्य को अंधकार में देखते हुए जिला कलेक्ट्री पहुंचे जंगी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन सुबह से लेकर शाम तक चलता रहा। आसमान से बरसती गर्मी में जहां कॉलेज से जुड़े जिम्मेदार इन बच्चों के साथ लाखों की लूट से प्राप्त कर एसी की हवाओं में आनंद लेने का काम कर रहे थे, उसी समय गर्मी में ये बच्चे सड़कों पर बैठ अपने भविष्य के लिए शांतिमय तरीके से पुलिस के घेरे में लड़ते नजर आ रहे थे। मैं खुशपाल सिंह, नर्सिंग छात्र संगठन का प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि पैसिफिक मेडिकल कॉलेज उमरडा के अंदर एक साई तिरुपति यूनिवर्सिटी है, वहां वेंकटेश्वर महाविद्यालय नर्सिंग का कॉलेज है। वहां पे 17-18 बैच में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था नर्सिंग के अंदर, उनके फर्जी एडमिशन करके उनका ना एनरोलमेंट हुआ, ना NOCI, ना RNRM नंबर आए। मैं आपको न्यूज़ चैनल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चों के साथ, गरीब बच्चों के साथ जो इन्होंने खिलाफत की है, बच्चों ने वहाँ पे नॉर्मल एक दिन कॉलेज बंद करवाने की कोशिश की तो इन्होंने बच्चों पे लाठी चार्ज करवाया, वो कहाँ तक जायज है। उसके बाद भी बच्चे घायल हो गए, उसके बाद भी इनको हमने 10-15 बार कलेक्टर महोदय, CM के नाम, चिकित्सा मंत्री के नाम भी हमने ज्ञापन सौंप लिया है। ज्ञापन सौंपने के बाद भी हमारी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। आज हमारी प्रमुख मांग हम लेके कलेक्टर ही इसलिए हम धरना दे रहे हैं, जब तक नहीं उठेंगे तब तक हमारी को NOC का पूरा ऑर्डर नहीं मिल जाता और 3 दिन का हम अल्टीमेटम देते हैं। अगर 3 दिन के अंदर भी यही हालत रहती है तो हम भूख हड़ताल करेंगे, अर्धनग्न स्थिति में यहाँ बैठेंगे और हो सकता है हम CM हाउस का घेराव भी करें। एडमिशन के दौरान किस तरह की लापरवाही हुई? एडमिशन के दौरान बच्चों को सोफे पे बैठाया, कॉफ़ी चाय पिलाई, उसके बाद बच्चों को आराम से बोला कि बेटा 2 लाख रुपए फर्स्ट ईयर की फीस है, डोनेशन के नाम जो गवर्नमेंट की फीस 80,000 है, बच्चों को पागल बनाया गया। गरीब बच्चे जो खेत वेत बेच के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से यहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर मारवाड़ से आते हैं, उन बच्चों को वहाँ पागल बनाया गया और बच्चों को बोला गया सब डॉक्यूमेंटेशन हमारा कंप्लीट है। बच्चे को क्या पता, कैसे पता चलेगा नया बच्चा 12वीं के बाद आया, बड़ा मेडिकल कॉलेज है जहाँ MBBS होती है तो बच्चा वैसे खुश होकर सारा प्रैक्टिस वगैरह सारी कर लेंगे यहाँ पे, बच्चा और माँ बाप ये सोच रहे हैं। बच्चे ने एडमिशन लिया, लेने के बाद हमारे को ये पता चला कि यहाँ तो एनरोलमेंट नहीं और NOC नहीं है कॉलेज के साथ, ये हमारे साथ धोखा हुआ है। जयपुर का जो एक कॉलेज है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे इसको परमिशन दे रखी थी, स्वीकृति दे रखी थी, वहाँ की भी बहुत बड़ी लापरवाही और मैं कहीं ना कहीं इसमें सरकार का और रजिस्ट्रार महोदय को भी संज्ञान में लेते हो इस मामले को देखना चाहिए कि राजस्थान में उदयपुर जिले के अंदर ऐसे फर्जी कॉलेज चल रहे हैं, तत्काल रूप से उनको सील किया जाए। मेरी प्रमुख मांग है चिकित्सा मंत्री,
जो सॉरी रजिस्ट्रार महोदय जो शशिकांत जी शर्मा एक नर्सिंग यूनियन से आते हैं, वो नर्सिंग क्यों है? आप रजिस्ट्रार महोदय के इतने बड़े एक ओहदे पे आप बैठे हुए हैं। मैं चिकित्सा मंत्री और अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे फर्जी कॉलेजों पर तुरंत प्रभाव से लगाम लगाई जाए और उस हॉस्पिटल को भी तत्काल रूप से सील किया जाए। ऐसे गरीब बच्चों के साथ इन्होंने अन्याय किया है, इनके बहन बेटियों के साथ अगर ऐसा होगा बेटों के साथ तो ये इनको पता चलेगा। ऐसे कॉलेज को तत्काल रूप से आज सील बंद किया जाए, कलेक्टर महोदय से मेरा निवेदन। इतने बड़े दावे करने वाली सरकार के आपको लग रही फर्जी है? सरकार ने मेडिकल चिकित्सा विभाग के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली है। मैं मेरी ओर से कहना चाहता हूँ, मैं किसी पॉलिटिक्स नहीं है, मैं स्टूडेंट लीडर हूँ नर्सिंग यूनियन का। राजस्थान सरकार के अशोक जी गहलोत ने चिकित्सा के क्षेत्र में जो किया है, निःशुल्क दवाई वितरण जो 2011 से चला आ रहा है, बहुत सारी वैकेंसी राजस्थान में 10 साल से जो RPSC नहीं हुई उसको लाए। राजस्थान में पहली बार CHO का एग्जाम हुआ, उसमें 50 स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्टेड बैठे हुए हैं, आप पूछ सकते हो उनके रोल नंबर भी हमारे पास। ऐसे बच्चों के साथ जब NOC नहीं है तो वो फाइनल सेलेक्ट कब होंगे? जिनके माँ बाप दिया लेके घर पे बैठे कि मैंने 10-10 लाख रुपये खर्च किए, मेरा बेटा कब नौकरी लेके आएगा? ऐसे धूर्त कॉलेज को हम थूकते, ऐसे कॉलेज के ऊपर जाने में भी हमें शर्म आ रही उसका नाम लेते हुए भी। ऐसे गरीब बच्चों के साथ, बेसहारा बच्चों के साथ जिनके माँ बाप नहीं होते, किसी के माँ नहीं है, किसी के बाप नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, कोई पैसे वाला, ये पैसों के दम पे हमारे पास लाठीचार्ज करवाते हैं। इनके पास पैसा है, पैसे से प्रशासन को बुलाते हैं, प्रशासन हमारे पास लाठीचार्ज करता है, बैरिकेड लगा देता है, हमको भगा देता है। बच्चे डरते हैं कि केस हो जाएगा, लाइफ बिगड़ जाएगी, इस वजह से बच्चा भाग जाता है और ये मजे में मौज कर रहे हैं, ऐसे में बैठे हैं, बच्चा धूप में बैठा है, इनको कोई लेना देना नहीं। अभी भी CI साहब हनुमान सिंह जी सोडा साहब ने फ़ोन किया था, मेरे रिलेटिव ही, उन्होंने फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठाया। प्रिंसिपल महोदय आए कोई फर्जी कागज लेके, अभी बता रहे हैं कि एनरोलमेंट होने वाला, और कब तक? अभी एक NHM का एग्जाम निकलवा हुआ, राजस्थान सरकार में एक वैकेंसी आई हुई है, 2000 GNM और BSc नर्सिंग के बच्चे उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसकी सैलरी है 20,000 रुपये, संविदा पे एग्जाम होने वाला है, उसकी लास्ट डेट है 10 अगस्त। उस बच्चे, ये बच्चे उसमें फॉरम ही नहीं भर पाएंगे तो फिर किस काम की? हमारे 10 लाख की हमने डिग्री की, 2 साल से 3 साल से पास, डिग्री को हम जलाएं क्या करें? लगभग उम्र का कितना हिस्सा इस पढ़ाई को लेके खराब हो गया है? 7 साल, 5 साल नर्सिंग में और 2 साल घूमते घूमते हो गए, धरना और जिंदाबाद मुर्दाबाद में 2 साल हो गए, 7 साल हो गए। 7 साल में 10 रुपये भी हमारे जेब में नहीं है, घर से पैसे मंगवाते 5,000 रुपये आते हैं,